अच्छा फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, आपने ये सारे प्रोसेस के लिए एटम टेलीविजन स्टूडियो को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ, उसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्लैक मैजिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो आपने फ्रेंड्स वहां पर देखना है कि आपको सपोर्ट सेक्शन वहां पर एक आ रहा है, आपने वहां पर क्लिक करना है सपोर्ट पे। आप जैसे ही सपोर्ट में जाते हैं ना, तो नीचे ना सारी डिटेल आ रही होती है कौन कौन से इनके सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने फ्रेंड्स वहां पर जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके ना, जो ये वाला एरिया है ना जहां पर उनके मतलब लेटेस्ट डाउनलोड्स आ रहा है, वो डाउनलोड्स पे आपने नीचे आना। और नीचे आते आते आप ना जो भी एटम स्विचर होगा ना, कोई भी एटम स्विचर है, आपने उस स्विचर के ना अपडेट क्या मतलब कोई भी जो अपडेट बनाई होगी ना, जैसे ये अपडेट आई है 21 अक्टूबर 2022, मतलब 21 अक्टूबर 2022 को जो अपडेट आई है वो ये वाली है। अब आपने क्या करना है, इसके विंडो पे जाके अपने से डाउनलोड पे क्लिक करना। मतलब आपको विंडो वाला वर्जन चाहिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मैक वाला चाहिए तो आपने मैक में जाना है, नहीं तो विंडो में। जैसे हम जाते हैं तो देखें यहां पर सारी आ गई एटम स्विचर 8.10, जो लेटेस्ट मतलब एटम का स्विचर है वो। अक्सर ऐसे होता है जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आपका एटम उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो रही होती हैं, वो चीजों को सही भी करना है आपने लाजमी। ठीक है, मतलब क्या है कि स्विचर आपका अपडेट पे चल जाता है तो उसको अपडेट होने देना, उसको ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी, यूपीएस वगैरह पे लगा के रखना, नहीं तो स्विचर खराब भी हो सकता। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नीचे, यहाँ पर फ्रेंड सारे आ रहे हैं आपका प्रोडक्ट। यहाँ से आप चाहे प्रोडक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं रजिस्टर्ड अगर आपने करना प्रोडक्ट, लेकिन 90% जो लोग हैं, 90% मैं भी इसमें शामिल हूँ, वो हम सिर्फ डाउनलोड वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन मतलब डाउनलोड वाला, सिर्फ उसको यहाँ पर डाउनलोड ओनली करते हैं। जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो इस स्विचर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही फ्रेंड्स इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना सारी, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट, मतलब ये फाइल आपको प्रॉपर ना डाउनलोड्स में आप डाल देंगे अपने, तो ये काफी बड़ी फाइल होती है, 2.5-3 GB की फाइल होती है। तो हम डाउनलोड्स में जाते हैं, इधर हम आते हैं कंप्रेस्ड में, कंप्रेस्ड में हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये देखें ये हमारे पास जो एटम स्विचर है ना, इसका ये डाउनलोड आ गया। ये डाउनलोड फाइल जो आती है जिप फाइल में डाउनलोड होता है, जिप फाइल में डाउनलोडिंग आती है। ठीक है, इसको हम जैसे ही अनजिप करते हैं राइट क्लिक करके, तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया हमने। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर हो गया तो ये टोटल जो है ना इस तरह ओपन हो जाएगा आपके पास। उसके बाद ये जो वर्जन है ना, ये आपने इंस्टॉल करना है 8.10, मतलब ये जो राइट क्लिक करके इसको करना है रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इंस्टॉल कर लें आप इसको, इंस्टॉल भी कर लेंगे बेहतरीन चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके डब्बे पे भी लिखा है, हर जगह पे लिखा है कि ये विंडो 10 के साथ कंपेटेबल है, विंडो 8 के साथ, 7 के साथ नहीं चलेगा, 8 के साथ भी नहीं चलेगा। ये भी मैं कंफर्म बता सकता हूँ, ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है और विंडो 10 वाला ही पीसी आप यूज करें, विंडो मतलब इसके अलावा कहीं ना जाएं। ठीक है, अब हम इसको यहां से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने सो जाना, काफी टाइम लेता है इंस्टॉल करने में। अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से, कोशिश करते हैं जल्दी हो जाए। हाँ जी फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो गया। तो इंस्टॉल करने के बाद ही यहाँ पर आ गया हमारे पास एटम कंट्रोल पैनल। इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है कि एटम कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट होता है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक ईथरनेट केबल होनी चाहिए इस तरह की, मतलब एक केबल होनी चाहिए जिसके दोनों तरफ जो है ना वो कनेक्शन हो, मतलब दोनों तरफ लैन केबल का कनेक्शन हो। ठीक है, ये केबल ही इसके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, ये केबल को मैं इसके साथ कनेक्ट करने के लिए स्विचर को जैसे ही मैं टर्न करता हूं, तो देखें यहां पर मेरे पास ना दो पोर्ट्स आती हैं, एक पोर्ट आती है कंट्रोल की और एक पोर्ट आती है टॉक बैक की। अगर मैं इधर आता हूं तो ये देखें कि एक पोर्ट आ रही है कंट्रोल की और एक आ रही है टॉक बैक की। आपने इसको कंट्रोल वाली पोर्ट में लगाना है। जैसे मैं कंट्रोल वाली पोर्ट पर लगाता हूं इसको, तो ये स्विचर यहां कनेक्ट हो गया। अब देखें यहां पर कनेक्ट हो तो गया स्विचर, तार लग गई। अब मैंने अपने लैपटॉप की भी लैन केबल के साथ इसको कनेक्ट करना है। केबल मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि ब्रांडेड ओरिजिनल केबल यूज करें, जो ये इंटरनेट वाले केबल्स बना के देते हैं अक्सर इससे नहीं कनेक्ट होता, क्योंकि वो सही काम नहीं करती हैं। मैंने काफी बार मुझे मसला हुआ है पहले स्विचर्स में। और मैं दूसरी तरफ अपना जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप उसका जो ईथरनेट है ना ये वाली, वो मैं ईथरनेट के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आना है, तो ईथरनेट में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा अगर इस तरह करता हूँ तो यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, लैपटॉप भी नजर आ रहा है आपको, लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं खोलने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखें जैसे मैंने लगाई है ना, तो ये इसके ऊपर ये लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो गई है कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया। ये देखें अभी पूरी कनेक्टिविटी होगी तो साथ वाली लाइट भी ब्लिंक होगी। ठीक है, अब मैं इसको फ्रेंड्स अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, एटम कंट्रोल पैनल का डबल क्लिक करते हैं। अब देखें जी सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो गया। अब ये एस एस मांग रहा है, इसको अलाउ कर देना आपने। अब जैसे ही मैंने इसको अलाउ कर दिया ना, तो ये पूछ रहा है
लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो इंग्लिश ऑफ कोर्स, इंग्लिश, और नीचे पूछ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोग्राम या प्रीव्यू पे जाना है, मतलब प्रोग्राम प्रीव्यू वाला मोड में जाना है जिसमें दो इधर एक वीडियो आ रही होती है और एक इधर आ रही होती है, इधर जो आ रही होती है वो ऑन एयर नहीं होती, मतलब जो प्रीव्यू वाली होती है, और इधर प्रोग्राम वाली ऑन एयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे कौन सी सेटिंग करनी है, ए और बी होता है ये डायरेक्ट, ये नहीं यूज करना आपने फॉर्मेट बिल्कुल भी प्रोग्राम और प्रीव्यू पे। कंटिन्यू करेंगे तो अब ये कह रहा है स्विचर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, या अब मांग रहा है हमारे से आईपी, अब यहाँ पर मैनुअल आईपी आपने देना है। ये आप इस चीज को बड़ी डिटेल में समझें कि मैनुअल आईपी किस तरह देना है। देखें पहले तो इसने आईपी खुद डिटेक्ट कर लिया, 90% ऐसे होता है कि खुद ही जो डिटेक्ट कर लिया ना उसके साथ आईपी चल जाता है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि नहीं चलता। अब मैं आपको वो बताता हूँ, पहले हम यहाँ पर अगर इसने जो खुद डिटेक्ट कर लिया ना आईपी, मैं एटम लॉन्च पे क्लिक करता हूँ, एटम सेटअप पे, तो ये मेरे पास ना ये टोटल, फिर मैंने इसे अलाउ करना है, और अलाउ करके ये अब एटम के अंदर चले गया, मतलब एटम ये कह रहा एटम इज नॉट कनेक्टेड, हालांकि अभी मेरा स्विचर कनेक्ट है। अब मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी कह रहा है स्विचर इज नॉट कनेक्टेड। अब जो सेटिंग है ना वो उसके लिए वीडियो बनाई गई है जी फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना अपना वाईफाई ऑफ करना है, ठीक है। वाईफाई राइट क्लिक करते हैं हम यहाँ पर अपने वाईफाई पे, तो यहाँ पर ओपन सेटिंग्स में चल जाएंगे। आपने अपने कंप्यूटर के साथ सिर्फ ईथरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ईथरनेट ही कनेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा वाईफाई आ गया, आपने इसको ऑफ कर देना। अब जैसे ही वाईफाई ऑफ करेंगे तो नीचे से ये जो है ना मतलब ईथरनेट पे आ गया। अब मैं ईथरनेट पे क्लिक करता हूं और यहां पर आपने आ जाना चेंज अडाप्टर ऑप्शंस पे, ठीक है। यहां पर आप जैसे आते हैं ना देखें इस वक्त आ रहा है देखें फ्रेंड्स जी आपके पास जो स्विचर है ना वो आपने ये देखें, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो इसकी थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, यहाँ ऑलमोस्ट डन है, ठीक है जी। ये ब्राइटनेस हमने थोड़ी सी कम कर ली है और थोड़ा सा मैं करीब करता हूँ जी। ये देखें फ्रेंड्स इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.10.240 है, सबनेट मास्क 25550 है, और उसके बाद 192.168.10.1 है। अच्छा जी अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है, ये देखें इस स्विचर से कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी आपने। आपने अपना ना यहाँ से ओपन कर लेना है, मतलब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने अपने नेटवर्क, जो नेटवर्क है ना आपका, हमने आना है चेंज अडाप्टर सेटिंग्स में, इस वाले पोर्शन पे हमने चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे क्लिक किया तो उसके बाद फ्रेंड्स ये ईथरनेट पे आ गया। यहाँ पर देखें लिखे अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क, यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा। अब राइट क्लिक करते हैं इसको फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ना अगर मैं अभी अपना एटम का स्विचर ऑन करता हूँ ना, एटम सेटअप में जाता हूँ तो देखें एटम सेटअप में जाके वो कह रहे हैं नो स्विचर फाउंड, यानी कि कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। एटम कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो फिर कंट्रोल पैनल जो सॉफ्टवेयर है उसमें जाते हैं तो उधर देखते हैं कि उधर भी वो कनेक्ट नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसको अभी तक आईपी नहीं मिला। इधर नो स्विचर कनेक्टेड आ रहा है इस वक्त, ठीक है। हम इसको फ्रेंड्स नीचे करते हैं डाउन। अब यहां पर आपने आना इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वर्जन है ना 4, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर अब आपने पूरी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाके जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं तो यहां पर आपने जो स्विचर पे सारी सेटिंग आ रही थी ना, जो यहां पर अब आपको नजर आ रही है, ये सारी सेटिंग्स फ्रेंड्स आपने इसके अंदर डालनी है। जैसे मैं यहां पर अगर सेटिंग देखता हूं तो 192 सेम एज इट इज 192.168 आगे 10.240 है, 10.240 है। सबनेट जैसे ही आप नीचे आएंगे सबनेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, वैसे ही होता है 255.255.255.0। उसके बाद नीचे आते हैं फ्रेंड्स गेटवे पे, गेटवे भी आपने सेम 192.168.10.1 सबनेट भी वैसे डाल दी। अब ये तरीका क्या है इसको फाइनलाइज करने का, आपने जो ऊपर 240 है ना आपने सिर्फ इसको चेंज करना है। अब जैसे ही मैं 240 पे क्लिक करता हूँ ना तो मैंने इसको फर्स्ट करें मैं इसको कर देता हूँ 135 कर देता हूँ, ठीक है। ये आईपी नीचे वाला सारा इसके साथ कनेक्ट हो गया, जो ऊपर वाला है ना 135 उसको आपने कनेक्ट करके ओके कर देना, फिर इसको क्लोज कर देना। अब दोबारा अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क में ना आइडेंटिफाइड नेटवर्क पे चले जाता है वो, इस पर थोड़ा सा टाइम लेता है इस वर्किंग में और सिंक करता है कि कौन कौन सी डिवाइसेज इसके साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कभी कभी, क्योंकि जब पहली बार आप स्विचर कनेक्ट करते हैं, पहली बार कोई अपना डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है। अब देखें वहां पर आ गया अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क, दोबारा से वैसे ही आ गया, तो ये आपका स्विचर अब कनेक्ट हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, और फ्रेंड्स इसके बाद हम आएंगे अपने एटम पैनल पे, और जैसे ही मैं पैनल पे आता हूं ना तो ये देखें यहां पर आप मेरे पास देखें, पहले नहीं मेरे पास शो हो रहा था, अब मेरे पास शो हो रहा है एटम कंसोलेशन 1 ME HD जो है वो शो हो रहा है। यहां पर मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना
तो ये अभी मतलब इस पे भी कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता। आप देखें अब स्विचर मेरा टोटली पूरा इंटरफेस यहाँ पर स्विचर का आ गया, और स्विचर 10 कैमरास का जो मेरा स्विचर है वो यहाँ पर फुली यहाँ पर कनेक्ट हो गया। और ये देखें यहाँ पर जैसे ही कैमराज इधर भी कनेक्ट हो रहे हैं, इधर इस लाइट से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइट्स चेंज हो रही हैं और स्विचर के ऊपर आ रही हैं कि किस तरह से सारा स्विचर A to Z आ गया। इसके बारे में फ्रेंड्स एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, इस प्रोसेस को आपने यूज़ कैसे करना है, आपने इसका मीडिया पैनल कैसे यूज़ करना है, मीडिया पैनल में पिक्चर कैसे इंपोर्ट करनी है, क्लिप कैसे डालना है, किस तरह देखना है, किस तरह लाइव फीड में कैसे लेके आना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऑडियो सारे ऑडियो के क्या बात है, ऑडियो के सारे आ गए। इसके बाद ये कैमरा आ गए, सारे जितने कैमरास हैं फ्रेंड्स 10 के 10 कैमरास, उनकी जो भी हो जोन सा ऑन एयर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप चीजें काफी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये मीडिया पैनल, ये स्विचर, मेन स्विचर, ये फ्रेंड्स मीडिया, यहाँ पर प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, आउटपुट कैसे इसकी निकलती है, कैप्चर वीडियो में डिवाइस इस वक्त कनेक्टेड है, किस किस तरह टाइम कोड क्या है, ये सब चीजें फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ जो वीडियो की एंड स्क्रीन में आ रही है वहां पर आप देख सकते हैं। और स्विचर बहुत मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने का। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।